ये आप लोगों ने टोटल डायमेंशन लिखा है इसका, ठीक है, डोर विंडो, विंडो वन, कॉलम वन, कॉलम टू, ये आपने डिडक्शन कर दी। तो अभी ये कितनी कैलकुलेशन कितनी रही बेटा, चल रहा है, इसको ड्रॉ कर लिया। जो डायरेक्ट फील्ड के तुम लोगों ने लिए थे वो कहाँ हैं, लंबाई चौड़ाई ये फील्ड की ली हुई है ना, जो आप बोर्ड पे कॉपी की है, ठीक है। तुम लोगों ने हर कोई अपना अपना कर रहा है कैलकुलेट, देखो इसके अंदर तरीका चाहिए होता है कि हर कोई अपनी अपनी कैलकुलेशन करे, और उस कैलकुलेशन को करने के बाद फिर एक दूसरे से टैली करो। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब आप एस्टिमेट कर रहे होते, मेजरमेंट्स ले रहे होते, क्वांटिटी को एस्टिमेट कर रहे होते, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक की क्वांटिटी बिल्कुल सेम आए। यही वजह है कि हम इसको कई मर्तबा मेजर करके देखते हैं कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है। अमूमन जैसे ये तुम देख रहे हो कि ये हमारा जो रूम है इसकी हमने मेजरमेंट की, तो ये एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये पीछा, चौथा कॉलम ये कॉर्नर पे, पांचवा ये और छठा ये, कुल कितने कॉलम हो गए भाई रूम के अंदर? छह कॉलम है। ये कॉलम सारे जो ऑफसेट्स पैदा कर रहे हैं, याद रखो इन कॉलम्स की वजह से आपकी स्पेस में कमी वाक़ होती है। ये देख रहे हो तुम, जैसे इस वक्त ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है और इसका ये डायमेंशन है, आपके पास दो डायमेंशन है, लेकिन ये देख रहे हो कि ये कॉलम जो है तुम्हारे रूम के एरिया में कमी वाक़ कर रहा है। तो ये आप एक नोट करोगे, इसको लिखोगे भी कि टोटल कॉलम्स का इतना एरिया जो है जिसकी वजह से रूम के एरिया में कमी हो रही है। हमने जो डायमेंशन निकाले थे रूम के, कितने निकाले थे हमने, जो टोटल डायमेंशन निकाला, क्या निकाला? ये देखो 20 फीट बाई 26 फीट 9 इंच, यही निकाला है। पीछे जो बड़ी विंडो है ये शो कर दी आपने, पीछे वाली ये आपने राइट और लेफ्ट पे जो ये विंडोज हैं ये दोनों आपने शो कर दी हैं, ठीक है। फिर आपने ये डोर वन डोर टू ये शो कर दिया, डोर वन डोर टू, कॉलम वन कॉलम टू शो किया, ये सारी चीज़ें। ऊपर क्या आ रहा है, बीम आ रहा है, ये सारे शो किए। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें याद रखो, जब हम इसका जो एरिया कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें चाहिए कि जो एरिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें ख्याल रखना है कि ये जो कॉलम का एरिया है इसको माइनस करना पड़ेगा। एक चीज़ और भी याद रखो कि जब अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है ना, उसके अंदर बहुत जो बड़े टैंक होते हैं उसमें भी बीम कॉलम होते हैं, उनको भी डिडक्शन करना पड़ती है जब हम टोटल गैलन में कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है बेटा। ये करते रहो आप, फिर इसके बाद मैं भी आऊँगा आपके पास, फिर देखते हैं।